की भागदौड़। तो बच्चों, न्यूटन के पहले नियम के अनुसार जो वस्तु स्थिर स्थिति में होती है वो स्थिर ही रहती है, और जो वस्तु गतिमान होती है। 3, 2, 1 और बची। न्यूटन के पहले नियम का बेहतरीन प्रदर्शन तुम हो मिस्टर बटोस्की। मैं गति का दीवाना हूँ, नियमों का नहीं। इसी दीवानगी के चक्कर में तुमने पिछले 2 महीनों में एक भी होमवर्क पूरा नहीं किया मिस्टर बटोस्की। डॉगी ने होमवर्क खा लिया, डॉगी ने होमवर्क खा लिया, डॉगी ने होमवर्क खा लिया। प्राणी शास्त्र के हिसाब से डॉगी इतना सारा कागज हजम कर ही नहीं सकता मिस्टर बटोस्की। अफसोस, तुम्हें उसी श्रेणी में रखना होगा। फेल क्यों? तुम्हें इसी कक्षा में फिर से बैठना होगा। फिर से? अरे केक, तुम क्या लेजर बोर्डिंग? अरे नहीं, अभी तुम स्कूल में ही हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वार्षिक परीक्षा कल खत्म होगी, तुम्हें सारे असाइनमेंट्स एक रात में पूरे करने हैं, जो कि नामुमकिन है। एक मिनट, आपको विज्ञान पसंद है? मुझे नामुमकिन पसंद है। एक प्रयोग करें। क्या कहा प्रयोग? मेरा दावा है कि मैं एक रात में सारा होमवर्क कर लूंगा, पक्का। ये एकदम नामुमकिन है बच्चे। अगर मैं नामुमकिन को मुमकिन कर दूं तो आप मुझे पास करेंगी? हाँ, क्यों नहीं, कल सारा होमवर्क पूरा करके लाओगे तो मैं तुम्हें पास कर दूंगी। सुधर जाओ मिस्टर बटोस्की, वरना तुम कचरे के ढेर में गिरोगे। अफसोस, मुझे तुम्हें फेल करना होगा, इसी क्लास में रहना पड़ेगा। दो महीने का होमवर्क एक रात में, मजा आ गया। केक जीतेगा, टीचर हारेगी। उसे संभालो केक, मैं चाहता हूँ कि उसे कुछ भी ना हो। छोड़ना यार, कुछ नहीं हो सकता है इसे। ओ नहीं, ए रुको, अब क्या? लगता है अब हमें पैदल स्कूल जाना होगा। फिकर नॉट मेरी जान, होमवर्क तो तैयार है। नहीं, चलो छोड़ो ऑस्कर, देखो माना कि हम दुश्मन हैं, लेकिन आज मुझसे पंगा मत ले। चल इसे वापस दे दे मेरी जान। ऑस्कर, ओह कितना समझदार है तू। क्या नसीब है, डॉगी ने सचमुच होमवर्क खा लिया। ऑस्कर, डरो मत केक, मुझे पता है कैसे निकालते हैं। ओ नहीं, मैं भूल गया। नहीं केक, अगर तुम फेल हो गए तो मैं टाइम पास कैसे करूंगा, किसके साथ लंच करूंगा, और मेरी बकवास कौन सुनेगा। गंथर गंथर गंथर, तू डर मत, ये ले 2 महीने के होमवर्क क्वेश्चंस। सही कहा, और स्कूल पहुंचने से पहले मैं ये पूरा करूंगा। लेकिन केक, स्कूल शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। मिस फिट्ज़पैट्रिक ने कहा कि मुझे आज करना है, लेकिन कितने बजे ये नहीं बताया। सुप्रभात मास्टर बटोस्की, 8 बजे स्कूल शुरू होते ही मैं तुम्हारा होमवर्क देखना चाहूंगी। बेल बजने तक अभी 5 मिनट और 43 सेकंड है तुम्हारे पास, पहुँच जाना वक्त पर। किताब छोड़ गंथर, अब सब कुछ करके देखेंगे। सबसे पहले फिजिक्स। अगर कोई वस्तु 20% कोण पर स्थित पृथ्वी के 50 मीटर की ऊंचाई से गिरे तो उसकी गति क्या होगी? पाए हाथ का खेल है। वाओ केक, होमवर्क को तुमने रोमांचक बना दिया। आखिर ये पैकिंग बबल्स तुम लाए कहाँ से? सतासी बुलबुले फूट गए, यानी जवाब है 42 फुट पाउंड पर स्क्वायर इंच। चल अगला सवाल पढ़। अगला सवाल है जलवायु विज्ञान से। 1200 मीटर की ऊंचाई पर वातावरण के करीब स्तर में 96 पाउंड की वस्तु का हाल क्या होगा? सिर्फ एक तरीका है ढूंढने का,
ट्रैम्पोलिन से अल्फा। जमेगा सही। गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष से गिरने वाले वस्तु का वेगांतरण की शीघ्रता का दर क्या होगा? 32 फीट प्रति सेकंड प्रति सेकंड। हाँ मैं समझ गया। अगला सवाल भूविज्ञान। पृथ्वी के सबसे बाहरी स्तर का नाम क्या है? वो तो पपड़ी है गंथर। केक बचो। बच गए। अच्छा है इस डॉगी को पानी पसंद है। किक वो डॉगी नहीं, वो आफत है। वो देख पानी का बहाव। इसके साथ बहकर नीचे जाएंगे और बस पकड़ लेंगे। वाह कितना आसान है ये। मर्द को दर्द नहीं होता। पदार्थों के तेजी से घूमते हुए बवंडर को हम क्या कहते हैं? कितना आसान सवाल है। और कोई सवाल है? भूरे धब्बे वाला मेंढक अपनी जीभ से कितना वजन उठा सकता है? ये कीड़े जितना 4 मिलीग्राम। ये वापस आ गया। चार मिलीग्राम नहीं 12 पाउंड। वॉटरफॉल बचाओ। नहीं रही बस सही टाइम पे। देखा कचरे के ढेर में आकर गिर पड़ा। मिस फिट्ज़पैट्रिक ने यही कहा था। केक हम कितने करीब थे। लगता है हम स्कूल टाइम पर नहीं पहुंचेंगे। बदकिस्मती से तुम्हारा साल बर्बाद हो ही गया समझो। मैं कॉलेज जाऊंगा, नौकरी करूंगा, शान से सुपर मॉडल के साथ शादी करूंगा, तब भी तुम साइंस में अटके रहोगे। हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। मैं हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बच गए तो अच्छा ही है यार। मुझे देखो, मैं कचरे में रहता हूँ। मुझ में महान रॉक गिटारिस्ट बनने की वो सारी खूबियाँ थी, बस वक्त पर होमवर्क नहीं कर पाया और अपना चांस खो दिया। क्या तुम्हारी भी टीचर मिसेस फिट्ज़पैट्रिक थी? अटक गए। गंधर तू अपने हथियार लाया है? उनके बगैर मैं कहीं नहीं जाता। गंधर आखिरी सवाल पूछ। अगर 768 माइल प्रति घंटे से ज्यादा तेज कोई वस्तु संचार कर सकी तो कौन सी रुकावट हट जाएगी? बोलो कि आवाज की गति। सुप्रभात। ये तो होना ही था। 8 बजने में कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं और बटोस्की का पता ही नहीं। स्कूल बस शुरू होने वाला है कि हमें स्पीड बढ़ानी होगी। तो मेरी बात सच हुई। 2 महीने का होमवर्क 1 रात में इम्पॉसिबल। ये आवाज कैसी? क्या हो रहा है वहाँ पर? तुमने कर दिया। मुबारक हो मिस्टर बटोस्की, बच गए। लगता है उत्तीर्ण करना पड़ेगा। Awesome. सच में मैं तुमसे बहुत खुश हुई। मुझे लगा था कि फिर से तुम कोई कहानी बना कर आओगे कि कैसे डॉग ने तुम्हारा होमवर्क खा लिया। कुछ भी करेगा आइसक्रीम के लिए।
बेचारी श्रीमती बटोस्की, शहर में कमाल की गर्मी है और ये अपने पति को चौंकाने वाली जन्मदिन की पार्टी देने जा रही है। केक को तो जरा सा भी पसीना नहीं आता है, ये कैसे मुमकिन है? दिमाग को ठंडा रखने से। आखिर इसका मतलब क्या है? अरे चिंता मत करो तुम लोग, आइसक्रीम्स बस पहुंच ही रही है। काउबॉय केली आइसक्रीम बस, हैरल बचपन से ही दीवाने हैं इसके, ये रोज एक खाया करते थे। हमारी पहली मुलाकात में तो इन्होंने अकेले ही पूरी चट कर दी थी। अब तो बंद हो गया ना वो? पता है, बस एक आखिरी बॉक्स बचा है डीप फ्रीज में। पार्टी हो के रहेगी। हेलो, ट्रक खराब हो गया, काउबॉय केली बॉस भूल जाओ। पार्टी नहीं होगी। अब तो मुझे उठना ही पड़ेगा, ये पार्टी होकर रहेगी। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि पिछली बार तुम एक पार्टी बचा नहीं पाए थे। इस बार नहीं गंधर, हम उस ट्रक को ढूंढेंगे, काउबॉय के लिए बार्स लाएंगे और डैड की बर्थडे पार्टी करके रहेंगे। इस बार पार्टी होके रहेगी, इस बार ब्रैड डैड की बर्थडे पार्टी करवा के रहेगा। मॉम मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। आइसक्रीम उस तरफ है। नहीं, मैं आइसक्रीम सूंघने में गलती नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं। शुक्र है जनाब, आपने हमें ढूंढ निकाला, बस इंजन में मामूली खराबी है। तुम फिक्र मत करो, जब हम हैं तो फिर क्या गम है। काउबॉय के लिए बार्स तो ठीक है ना? फिलहाल अच्छे और ठंडे हैं, लेकिन फ्रीजर का कोई भरोसा नहीं है। क्या कहा आपने, फ्रीजर का कोई भरोसा नहीं है? तो हम इस खटारे को तुम्हारे घर तक कैसे ले जाएंगे कि? अरे वाह, ये तो बैलगाड़ी से सैर हो रही है। चलो मेरे बैलो दौड़ो, इससे तेज नहीं चला सकते। आइसक्रीम की खुशबू है। अरे काउबॉय केली बस, चलो लेकर रहेंगे। हाँ, खा के रहेंगे। छोड़ो यार, चलो कुछ और खाते हैं, मतलब पीछा करते हैं। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। वो तेली गली के गुंडे हैं। तो मैं क्या करूं? ऐसे छठे हुए बदमाश है कि पूरा इलाका कांप उठता है उनसे। लो आ गए लूटने के लिए। माफ करना बच्चों, मैं चला। ओ, क्या दावत है, ये आइसक्रीम अब हमारी है, चुपचाप निकल जाओ। चल दूर हट, इस आइसक्रीम पर हमारा हक है। ए, चुप रहो, ज्यादा बकोगे तो हेलमेट और अंदर का भेजा दोनों खा जाएंगे, समझे तुम? चलो केक पूरे रास्ते से भागते हैं। सॉरी। देखो भाग गए। अब चलो। डैड की पार्टी होके रहेगी, डैड की पार्टी होके रहेगी, डैड की। हेलो सुंदरी। नॉन स्टिक कुकिंग स्प्रे, डियो नहीं तो यही सही। हमने उन्हें चकमा दे दिया केक। शायद नहीं केक, मेलोब्रुक ब्रिज, हमने आधा रास्ता पार कर लिया। सभी लोगों को बताया जाता है कि मेलोब्रुक ब्रिज पर अजीब सा ट्रैफिक जाम है, कृपया यहाँ आप मत आइए। फालतू। ब्रेक केक ब्रेक। अभी नहीं, समय कम है। नहीं, बस पहुँचने ही वाले हैं। क्या हवा है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तू मुझसे कुछ कह रहा है? पता है किससे पंगा लिया है तुमने? तेली गली के छठे हुए गुंडे से। क्या कहा, फिर से कहो, क्या बह रहा है? क्या क्या? चुप कर, बंद। तुझे क्या हुआ? देखो केक, देखो। हे!
हेलो केक, ब्रैड का फोन नहीं लग रहा, तुम उसके साथ हो ना? नहीं मैं नहीं हूँ। अच्छा उससे कह दो जल्दी आ जाए, मेहमान बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है मॉम। क्या तुम पानी में हो? बस बहुत हो गया, आह कितनी गर्मी है। रुको, आप कहाँ जा रहे हैं? इस गर्मी से दूर, ताकि बनना जाऊँ मैं चिकन तंदूर। झूठ। रुकिए, ब्रैड कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल लेकर आ ही रहा है, बस थोड़ी ही देर में। जरा मेरी बात सुनोगी सुंदरी? क्या 5 का छुट्टा मिलेगा प्लीज? ये कैसी बदबू है? ये तो खुशबू है। मुझे खुली हवा बहुत पसंद है और जमीन भी। मुझे लगता है अब ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। संभलना, आगे एक सुरंग आ रही है। नहीं, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मेरे यार। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वो पीछे ही है, वो एक खटारे में सवार है। लेकिन ये नहीं किस कबाड़ से मिला? मैंने अपना टूटा फूटा खजाना कहाँ पर खड़ा किया था? नजदीक आओ, मुझे वो आइसक्रीम चाहिए। सपने मत देखो, आइसक्रीम दे दो और अपनी जान सस्ते में बचा ले जाओ। सस्ते सौदे नहीं करता, मैं खरीदता हूँ। एक अच्छा ऑफर है, वो भी डिस्काउंट के साथ है, एक पे एक फ्री। माफ करना, एका तो करना पड़ा हमें। तो करो, खेल अभी बाकी है। तुम्हें पकड़ के रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो, कुछ और खाते हैं। केक, मुझे हवा पसंद नहीं और ना ही जमीन। जीत गए, उनको चकमा दे ही दिया। शुक्रिया दोस्तों, ऐसी गर्मी में इस ठंडी दावत के लिए शुक्रिया। वो बदमाश सारी आइसक्रीम लूट के ले गए। छोड़ ना यार। द काउबॉय केलिबार्स। सही कहा, भागना पड़ेगा गंथर। बर्फ का चूरन या टुकड़े। छलांग है कि नहीं देखो। उसका बटन नहीं है। तुम अब तक यही हो? दरअसल मैं अपने घर पे एक पार्टी दे रहा हूँ। ऐसी गर्मी में तुम मुझे कोई मेन्यू बता सकती हो? कोई ठंडा मेन्यू। तुम्हारी पसंद की चीज मेरे पास है नौजवान। येलो। बहुत बहुत शुक्रिया जनेल, आखिर ब्रैड की अदा पे तुम हो ही गई फिदा। अरे ये बच्चे कहाँ रह गए? इनके पिताजी किसी भी वक्त आ जाएंगे। सुनो राम प्यारी, आज मेरा बर्थडे है। मैं आ गया। कमाल हो गया, बर्फीली वादियों में पार्टी, मजा आ गया। ओ हैरी, मैं तो तुम्हें इससे भी बड़ा तोहफा देने वाली थी। ये देकर काउबॉय कैलिबार्स, यकीन नहीं हो रहा। हैप्पी बर्थडे पिताश्री। यकीन नहीं हो रहा, सब पिघल चुका है। इसको छोड़ के मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। शाबाश केक, तुमने पिताजी की बर्थडे पार्टी बचा ली। तुमने इसे पिघलने से कैसे बचाया? दिमाग ठंडा तो सब ठंडा। अब समझा इसका मतलब। पार्टी करो यारो, मजे करो। आ जाओ, मुझे यकीन है आपको मजा आया होगा खाकर ये मिर्ची। लेकिन ये सबसे ज्यादा बिकता है, ऐसा उस लड़की ने क्यों कहा? उसने झूठ कहा। खाली है दोस्तों, वो हमें अच्छा चूना लगा गए। तो चूना खा।